तो फैमिली कैसे आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लो हो सकता है फील कि आप लोग को भी हो, आप लोग को ऐसा लगे कि आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपको ज़्यादा 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 मिस करते हुए फील कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है। ये लास्ट कार्ड, तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेंगे आज। झगड़ा है बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं गाइस कि क्या मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। DF की करंट एनर्जीज देखेंगे गाइस क्या है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक DF का मेडिटेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन्स को। चलिए देखते हैं गाइस की जर्नी की करंट एनर्जीज क्या है। जर्नी में मैं आज स्पेशल एंजल गाइडेंस भी लेने वाली हूँ, तो वो भी देख लेंगे क्या निकल के आता है। तो पहले गाइस हम लोग शुरू करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ और देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है। और अगर आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो मुझे एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, उनको कॉल करने की कोशिश मत करना। पता नहीं हम लोगों को कि वो क्या रिस्पांस दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या करंट एनर्जीज है उनकी। बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। टावर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है वो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में, लेकिन उनकी लाइफ गाइस एक मिनट, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है रही है। तो उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं देते, पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देते देती है। साइंस मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन यूनिवर्स से, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको जब हेल्प मिल रही है वो हेल्प एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। मिस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स को, चाहते हैं कि कुछ छोटा मोटा ऑफर कर दे, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज जैसे मैंने कहा कि फाइट है, वॉक अवे है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये जो है उन्होंने जो किया है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और जो है अब जो है वो मतलब कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं किया, शायद उनके कार्मिक के साथ झगड़े भी चल सकते हैं, डिवोर्स का केस भी चल सकते हैं, या किसी की लीगल चीज़ों में भी फंसे हुए हो सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। तो बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, लेकिन तभी भी वो अपना स्टैंड ले ही रहे हैं। वो अपने जिस पे बिलीव करते हैं वो वही करना चाह रहे हैं। काफ़ी ज़िद्दी बिहेवियर है ये जो है डिवाइन मैस्कुलिन का, काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने एक अपना जो है वो ले ही रखा हुआ है, तो चेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। चलिए देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर वो अपना ज़िद्दीपन हटा देते हैं तो उसके नीचे जो मैंने वो कार्ड लिया तो मतलब झगड़े का कार्ड ले लिया, तो देखिए गाइस बैलेंस आया। तो अगर वो सुनते और अगर वो कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, या और अगर वो अपने ही पॉइंट पे स्टक नहीं रहते तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि उनका अच्छा जाता, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे हैं गाइस। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन फेमिनिन बैलेंस फील कर सकती है, लेकिन हार्ट चक्रा अब डिवाइन फेमिनिन का फिर से ओपन हो गया है। डिवाइन फेमिनिन फिर से अपनी लाइट शाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा
जो है बट जेलस फील कर रही है कि जो है यू नो कहीं ना कहीं थिंकिंग की क्लैरिटी डिवाइन फेमिनिन को मिल गई है, डिवाइन फेमिनिन को पता चल गया है उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसे हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन को तभी भी लगे कि यू नो दूसरों की लाइफ बेटर है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। अब जेलेसी डिवाइन मैस्कुलिन से शिफ्ट होके कहीं और हो गई है, लोग कोई और हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि हमारे मैस्कुलिन दूसरे पीपल की तरह क्यों नहीं है, वो हमारे को आके प्रपोज क्यों नहीं करते, हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते, हमसे बात क्यों नहीं करते। तो काफ़ी सारा जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं गाइस जर्नी की तरफ। जर्नी में ये जर्नी जो है कहीं ना कहीं सोलमेट अट्रैक्शन कॉलिंग इन या सोलमेट एंगेजमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपकी कनेक्शन जो है नेक्स्ट लेवल में जाने वाली है। आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। फ्री कर दो भाई खुद को जेलेसी से और ओपन माइंड रख के फिर से इस कनेक्शन को एक चांस देने की कोशिश करो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी। और डिवाइन मैस्कुलिन भी जो है काफ़ी चेंज हो गए हैं अब तक आपका काफ़ी जो है, अगर आप जितने डेवलप हो गए हो एटलीस्ट आप लेके चल सकते हो कि 25% तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन में चेंजेस आए ही होंगे। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन 25% बेटर हो चुके हैं पहले से। तो थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, शायद आपको इससे थोड़ा रिकन्सिलिएशन मिल जाए, थोड़ा बात करने का मौका मिल जाए आपको उनके साथ, ऐसे चांसेस है और आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्योंकि बेसिक अगर आप लोग अभी डर रहे हो कि वापस ये सब करने से सेफ होगा क्या, लव करना फिर से इस पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया फिर से वही चीज़ें ना करे, फिर से वो मेरा दिल ना तोड़ दे, तो वही बोल रही हूँ कीप एन ओपन माइंड गाइज। आपके पर्सन अभी एटलीस्ट 25% बेटर पहले से तो हो ही गए होंगे। तभी भी हम एंजल से मैं एक ये कर रही हूँ कि आप अपने मन का क्वेश्चन पूछें एंजल से, यस नो क्वेश्चन पूछें एंजल से, ये एंजल आंसर्स है और देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी गाइज, आप अपने मन के क्वेश्चन पूछ सकते हो और जो मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरऑल प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगी कि अगर आपने फाइनेंस पूछा तो क्या, हेल्थ पूछा तो क्या और ट्विन फ्लेम के बारे में पूछा तो क्या रिस्पांस है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं, आप लोग अपने मन के क्वेश्चन पूछिए और मैं डिवाइन्स को बोलती हूँ कि 3 गाइडेंस कार्ड्स दी। तो पहला कार्ड है नो, डोंट वरी गाइस, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, नॉट नो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट द राइट टाइम गाइस। तो अगर आप पूछ रहे हो कि क्या हमारे ट्विन फ्लेम हमारे पास हमसे प्यार करते हैं, तो नो का जवाब नो में मत लेना, इसको बुरी तरीके से मत करना। अगर आप पूछ रहे हो कि वो मेरे साथ शादी करेंगे, वो मेरे पास वापस आएंगे, अभी के अभी हमारा रियूनियन होगा, तो इसको कहीं ना कहीं नॉट द राइट टाइम मान के चले और कॉम्प्रोमाइज जो है सिचुएशन में करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट बैलेंस हो जाएगा। ये टाइम सही नहीं है इसलिए आपको नो बोला गया है, आपको दुखी होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। एक जो है मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन नो का निकाल लेती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बेटर फील होगा। एक एक्स्ट्रा कार्ड प्लीज़, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपका जो विश है वो पूरा होगा। मे बी वो आपका विश आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, कार्मिक क्या अगर आप ये पूछ रहे हो मुझे बहुतों के लिए आ रहा है कि क्या वो कार्मिक्स को छोड़ चुके हैं, तो नो अभी तक नहीं छोड़ा है, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में छोड़ देंगे। तो यही जो है आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स, डिवाइन मास्कुलिन आपको पर्सनली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यस आई सी साइंस ऑफ यू एवरीवेयर एंड आई एम ओपन टू दिस जर्नी, तो ये आपके लिए यस का कार्ड आ गया।
यस वो साइंस देखते हैं, लेकिन नो वो लोग ने अभी तक कार्मिक को नहीं छोड़ा है. सो वेन यू डू योर ओन थिंग, आई फील योर हॉट एंड सेक्सी कह रहे हैं वो, कि जब आप अपना काम करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. पता है उनको कि आप एक सोल कनेक्शन में हो, 10-10 का भी कार्ड आ रहा है, एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू बोल रहे हैं कि एवरी थिंग अबाउट यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ तुम्हारे बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय.